हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी ऐसे क्रिएटर की तरफ से जो आपसे भी क्लियर रिक्वेस्ट है जाने के लिए कि टोटल 2728 पोस्ट पे उसके बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे भी को हम बता दें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो लोग कन्फ्यूज है कि फिजिकल के वक्त जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर को जाना है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप सभी को फ्रेंड्स हम डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है जॉब से रिलेटेड तो सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ फ्रेंड्स आप सभी को चलिए हम बता देते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट भी था कि बीएसएफ ट्रेसमैन का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो टीईटी पीएचडी जब देने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें सबसे पहले कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेसमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आप सभी को सबसे पहले हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेसमैन सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 6 स्टेज में आप सभी को संपन्न होने वाला है, जो कि फर्स्ट स्टेज में आप सभी को हो जाएगा फ्रेंड्स पीएचडी एंड पीटी। सबसे पहले जब आप लोग जाएंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले आप सभी को पीएचडी होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एस्टिमेटेड टेस्ट, जिसमें आप सभी को हाइट वेट चेस्ट जो है मेजरमेंट किया जाएगा, मापा जाएगा। ओके, उसके बाद जब आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे फ्रेंड्स तो आप सभी का होगा पीईटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आप सभी को 5 किलोमीटर के रेस कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में, एंड यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको जो है फ्रेंड्स 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट 30 सेकंड में। ओके, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, पीईटी पीएचडी पीटी क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को हो जाएगा थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो आप सभी को यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी स्टूडेंट जो होते हैं बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर जाएंगे फ्रेंड्स तो आप सभी को यहां पे होने वाला है ट्रेड टेस्ट, जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, जैसे हो गया कोबलर, हो गया कुक, हो गया स्वीपर, हो गया इलेक्ट्रिशियन, हो गया जो भी ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, ड्राफ्ट्समैन हो गया, वाशरमैन हो गया, ठीक है, उसका फ्रेंड्स आप सभी को वहां पर ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद जब आप लोग 4 स्टेज जो आप लोग क्लियर कर जाएंगे तो आप सभी का होगा फ्रेंड्स रिटेन टेस्ट। ओके, उसके बाद आप सभी जो 5 स्टेज क्लियर कर जाएंगे रिटेन टेस्ट को, आप सभी को अंतिम स्टेज हो जाता है फ्रेंड्स मेडिकल, जिसको हम बोलते हैं लास्ट में आप सभी को मेडिकल होता है। उसके बाद आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को फ्रेंड्स टोटल 6 स्टेज में आप सभी को जो है बीएसएफ ट्रेसमैन का जो प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है होने वाला है। ओके, तो आप सभी समझ गए होंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं बात कर लेते हैं उसकी, आप सभी को बीएसएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप सभी को लेकर के जाना होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, जैसे कि जाति हो गया, ओबीसी हो गया, ओके, जो भी चीज़ें आप लोग दिए होंगे, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेम वही लेकर के जाना है। ये नहीं कि आप कोई और अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट और वहाँ पर कोई और ले जाएंगे तो वहां पे आप सभी को फ्रेंड्स 100% है कि आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर देगा लो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग रेन्यूअल भी करवा सकते हैं, जैसे कि ओबीसी का हो गया, एसएसटी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को फ्रेंड्स होना चाहिए यहाँ पे 10वीं का एंड 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग 10वीं पास किए होंगे फ्रेंड्स तो आप सभी को मार्कशीट मिला होगा, एसएससी मिला होगा, जिसको हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, एसएससी मिला होगा, सबसे पहले यहाँ पे बातें कर लेते हैं, मार्कशीट मिला होगा आप सभी का। ठीक है, मार्कशीट आप सभी को मिला होगा, उसके बाद आप सभी को एसएलसी मिला होगा, जिसको हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आप सभी को प्रोविजनल मिला होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी ये ले लेंगे डॉक्यूमेंट। ओके, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मार्कशीट पे ही चल जाता है, आपका आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसी से जो है हो जाता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है। तो आप सभी के इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स मार्कशीट, एसएलसी और प्रोविजनल, और एक 3 साल पे मिलता है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, तो उसको भी आप सभी को साथ में लेकर के जाना होगा। एंड आप सभी को 10वीं का जो एडमिट कार्ड होता है और रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आप सभी को लेकर के जाना है, क्योंकि वो लोग जो भी मांगे वो आप सभी को दिखाना होगा। ओके, और आप लोग यदि 12वीं का भी ऐड किए होंगे अपना, तो ठीक है, तो सेम जो इसमें ले जाना है आप सभी को एसएलसी, उसमें मिलता है सीएलसी, जिसको हम बोलते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल है, ठीक है, आप सभी को 3 जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है, एंड ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है आप सभी का 10th का एंड 10+2 का वो आप सभी को साथ में लेकर के जाना होगा। ओके, आप लोग साफ साफ समझ गए होंगे। उसके बाद आप
एज सर्टिफिकेट का, तो हम बता दिए कि एज सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है जन्म प्रमाण पत्र का, क्योंकि मार्कशीट से जो है हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को आ जाता है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, इसको लेकर के काफी कैंडिडेट परेशान है, काफी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे फ्रेंड्स कॉमेंट में उनका जो डेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो है एक्सपायर कर गया है। यदि आपके पास अनुमंडल का होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो उसका वैलिड होता है फ्रेंड्स, वैलिड के लिए हम बता दें तो उसका वैलिड होता है 3 इयर्स का, ओके 3 इयर्स का होता है वैलिड, ठीक है, वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट का 3 इयर्स का। और यदि ओबीसी वाले हैं, ठीक है, तो ओबीसी वालों का भी फ्रेंड्स यहाँ पे 3 इयर्स का जो है वैलिड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वैलिड 3 इयर्स का यदि आप लोग बनवाएंगे अनुमंडल से, तो ठीक है एसडीओ द्वारा। और ओबीसी का भी फ्रेंड्स जो है वैलिड होता है 3 इयर्स का। बट यहाँ पे एक और कंडीशन हो जाता है फ्रेंड्स कि काफी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जब हम फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस टाइम मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी जो है एक्सपायर नहीं होता, बट अब हो गया है एडमिट कार्ड आने से पहले। तो आप सभी को फ्रेंड्स हम बता दें कि आप लोग जाकर के रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त फ्रेंड्स आप सभी को पुराना वाला भी ले जाना होगा, ठीक है, ओबीसी पुराना वाला भी ले जाना होगा, और जो आप लोग न्यू अपडेट करवाए हैं उसको भी आप सभी को लेकर के वहां पे जाना होगा डीवी के टाइम, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप सभी को लेकर के न्यू वाला एंड पुराना वाला भी आप सभी को वहां पे लेकर के जाना होगा। और एससी एसटी वालों को फ्रेंड्स हम आप सभी को यहाँ पे बता दें कि आप सभी को 5 इयर्स का भी वैलिड होता है, बट आप सभी को नया अलगे तो 6 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा का नहीं चलता है, बट आप सभी को 3 इयर्स का वैलिड होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझ गए होंगे, क्योंकि ओबीसी में फ्रेंड्स ज्यादा करके इसलिए ओबीसी वालों के यहाँ पे जांच होता है कास्ट सर्टिफिकेट, एंड एससी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए जांच होता है क्योंकि यहाँ पे ओबीसी वालों में एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, ओके उसके बाद एक क्रीमी लेयर होता है, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं जिनका आय 8 लाख से कम होता है वार्षिक आय, उनको हम बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, और 8 लाख से जिसका अधिक होता है यानी 8 लाख जिसका वार्षिक आय है उनको बोलते हैं क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों के फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार द्वारा बेनिफिट मिलता है जो कि एज रजिस्ट्रेशन मिल जाता है 3 इयर्स का, ठीक है। पैरामिलिट्री जो भी पैरामिलिट्री जो भी फोर्सेस है उसमें 3 इयर्स का, उन सभी को जो है ओबीसी वालों नॉन क्रीमी लेयर का 3 इयर्स का जो है एज रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे एससी एसटी वालों के यहाँ पे जो है 5 इयर्स का एज रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, आप लोग न्यू बनवा लेंगे तो सही होगा, ठीक है। वो एक्सपायर हो गया कोई बात नहीं, आप सभी को दोनों लेकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बेसिक एड्रेस प्रूफ, तो बेसिक एड्रेस प्रूफ के लिए आप सभी के पास निवास प्रमाण पत्र होगा, वो आप सभी लेकर के जाएंगे जो अपलोड किए होंगे, ओके। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आधार कार्ड, आप सभी को जो आईडी प्रूफ दिए होंगे फॉर्म अप्लाई करते समय वो आप सभी को लेकर के जाना होगा, जैसे कि वोटर आईडी भी आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड ज्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड्स, आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होता है पासपोर्ट, ठीक है, वो बेटर होता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड से, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ओके, एसपी द्वारा फ्रेंड्स बनवाया जाता है, ठीक है, एसपी ऑफिस द्वारा, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे दे रखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूशन नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि 6 मंथ से ज्यादा का आप सभी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों का फ्रेंड्स अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो आप लोग ऑनलाइन जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, आप सभी को आ जाएगा, क्योंकि बीएसएफ का फ्रेंड्स जो भी चीजें बहुत जल्दी प्रोसेस इसका होता है, तो आप सभी को इसमें जो है फ्रेंड्स लेट नहीं करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास नहीं है वो अपना रेडी कर लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी वालों को तो बता दिए कि ओबीसी एससी एसटी के जो है फ्रेंड्स ओबीसी का 3 इयर्स का जो है होता है वैलिड, बट यहाँ पे न्यू बनवा लेंगे तो सही होगा क्योंकि 1 इयर्स का फ्रेंड्स वो लोग ज्यादा करके मांगते हैं, और रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद एससी एसटी वालों को 5 साल का वैलिड होता है, बट आप सभी को फ्रेंड्स 1 साल का न्यू रहेगा, सही रहेगा, 1 साल से ज्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी को वहाँ पे कोई जो है दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। पुराना वाला एंड नया वाला भी आप सभी को लेकर वहाँ पर जाना होगा। फ्रेंड्स यही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट था आप सभी को हम क्लियर कर दिए। यदि आप सभी को और कोई भी डाउट डॉक्यूमेंट को लेकर के है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।